मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट टू बॉटनी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हर्बेरियम के बारे में, व्हाट आर हर्बेरिया, व्हाट इज हर्बेरियम, किस तरह से हर्बेरियम शीट्स बनाई जाती हैं और किस तरह से उन प्रिपेयर्ड हर्बेरियम शीट्स को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जिन्हें कि हम हर्बेरिया या पादप संग्रहालय कहते हैं। हर्बेरिया के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और उससे संबंधित सभी जानकारी हमने अपनी पिछली क्लास में ली। अपनी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। भारत के प्रसिद्ध हर्बेरियम या पादप संग्रहालय के बारे में, सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट या मेन हर्बेरिया है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। के बेसिस पर अरेंज है और ये जो क्लासिफिकेशन है अप टू
भी यहाँ पर प्रिजर्व करके फ्यूचर यूज के लिए वैज्ञानिकों की सहायता के लिए या पादप के संबंधित अध्ययन करने वालों की सहूलत के लिए यहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं। तो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट हर्बेरिया है, द नॉर्दर्न सर्कल हर्बेरिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून उत्तराखंड में सिचुएटेड है। थर्ड हर्बेरिया है द नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरिया, ये देहरादून यूपी में सिचुएटेड है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरिया को 1948 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। इससे पहले ये नेशनल बॉटनिकल इनिशियली यहाँ पर केवल नेशनल बॉटनिकल गार्डन ही था, बाद में यहाँ पर हर्बेरिया ऐड किया गया। इस हर्बेरिया में भारत के सभी राज्यों से प्राप्त पौधों को रखा गया। यहाँ पर 1,00,000 के करीब हर्बेरिया शीट्स जो है वो उपलब्ध है। इन हर्बेरिया शीट्स के अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, बहुत बड़ा विस्तृत ह्यूज ग्रीन हाउस है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज भी है। इसमें इम्पोर्टेंट है प्लांटोलॉजी लेबोरेटरी, टेरिडोफाइट लेबोरेटरी, प्लांट फिजियोलॉजी लेबोरेटरी और प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। तो ये जो है तीसरे नंबर पर हर्बेरिया है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरिया देहरादून उत्तर प्रदेश का। यह फोर्थ हर्बेरिया है द ईस्टर्न सर्कल हर्बेरिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शिलोंग आसाम में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना 1956 में की गई। यहाँ पर 1,10,000 के करीब प्लांट स्पीशीज हैं और 7 states जो है 7 sister states हैं यहाँ पर, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, जहाँ से ये 1,10,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कलेक्ट की गई। नेक्स्ट हर्बेरिया है सदर सर्कल हर्बेरिया, BSI कोयम्बटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई, जहाँ पर 2,00,000 के करीब प्लांट है और ये केरल स्टेट के प्लांट है। नेक्स्ट है वेस्टर्न सर्किल हर्बेरिया, BSI पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, जिसमें 1956 में इसकी स्थापना की गई। 1,35,000 के करीब यहाँ पर प्लांट स्पीशीज हर्बेरियम शीट्स में स्टोर्ड है। गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र से लिए गए प्लांट्स यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हुए। नेक्स्ट है द सेकंड सर्कल हर्बेरिया इलाहाबाद, ये जो है यूपी में है, 1962 में स्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पर 50,000 के करीब पादप प्रजातियाँ पाई जाती है हर्बेरियम शीट्स के फॉर्म में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्लांट लिए गए हैं। नेक्स्ट है द एरिड जोन सर्कल हर्बेरिया, BSI जोधपुर, जहाँ पर स्थापना 1972 में हुई थी। 10,000 के करीब प्लांट स्पीशीज है और ये प्लांट मेनली हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार सर्कल हर्बेरिया, BSI पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर करीब 20,000 पादप हर्बेरिया शीट के फॉर्म में स्टोर्ड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड से लिए गए प्लांट प्लस नियर बाय लैंड से लिए गए प्लांट यहाँ पर स्टोर्ड है। नेक्स्ट है द सिक्किम हिमालय सर्किल हर्बेरियम गैंगटॉक, जिसमें कि 5,000 प्लांट स्पीशीज हैं और सिक्किम रीजन से ये कलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून उत्तरांचल, जहाँ पर 3,50,000 के करीब प्लांट जो है वो स्टोर किए गए हैं हर्बेरियम शीट के फॉर्म में। इसके बाद है द इंडस्ट्रियल सेक्शन हर्बेरियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता, जहाँ पर 50,000 प्लांट स्पीशीज हर्बेरिया शीट के फॉर्म में स्टोर्ड है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर प्लांट कलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है द ब्लेडर हर्बेरिया ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, 1,00,000 के करीब प्लांट स्पीशीज हर्बेरिया शीट्स है और मुंबई और गुजरात स्टेट से प्लांट कलेक्टेड किए गए हैं। हर्बेरिया और बॉटनी डिपार्टमेंट देहरादून जो है वहाँ पर 3,000 के करीब प्लांट स्पेसिमेन स्टोर्ड है, जो कि डेवलप किए गए हैं बाय प्रोफेसर पी माहेश्वरी, प्रोफेसर बी एम जोरी एंड KMM दक्षिणी प्रोफेसर के द्वारा। इसके बाद है हर्बेरिया ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जिसको कि 1965 में स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर करीब 40,000 प्लांट स्पीशीज हर्बेरियम शीट्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। इसका एस्टैब्लिशमेंट लेट प्रोफेसर शिव शर्मा
और प्रोफेसर बी त्यागी के द्वारा किया गया। ये जो हर्बेरिया के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट इथनोबॉटनिकल सेंटर के रूप में भी स्टैब्लिश किया गया, प्रोफेसर प्रभाकर जोशी और एन के शर्मा जी जो हैं उनका इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको स्टैब्लिश करने के लिए। और यहाँ पर अरावली रेंजेस और मुकुंदरा रेंजेस के इथनोबॉटनिकली इम्पोर्टेंट प्लांट स्पीशीज पर यहाँ पर मेन साइंटिफिक वर्क रिसर्चेस यहाँ पर की गई है। अपनी आज की क्लास में हमने इंडिया में प्रेजेंट डिफरेंट हर्बेरिया के बारे में पढ़ा। अपनी आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अगली क्लास में। थैंक यू।